फ्रेंड्स, रामराजे इंटर कॉलेज नया टू पीतमपुर के अलावा वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की एंड बायोस्फीयर की। तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं अपने भारत में, इन्हीं सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो देखिए, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की परिकल्पना है या जो इसका विचार है वो कहां से शुरू हुआ, पूरी हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के मैन एंड बायोस्फीयर मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन उन्नीस सौ 74 में प्रकाश में आया। और भारत में यह 1986 में प्रारंभ हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्टीकृत व सूचीबद्ध संरक्षण क्षेत्र है। विशिष्टीकृत एवं सूचीबद्ध संरक्षण क्षेत्र है जिसके क्षेत्र के कुछ भागों को बांटकर विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षण किया जाता है। ऐसे बहुद्देशीय आरक्षित क्षेत्र जिनके द्वारा
जिनके द्वारा किसी भी परितंत्र में, किसी भी परितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है आप लोग चाहें तो हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप भी लिखते रहिए ताकि आपका भी नोट्स तैयार होता रहे, क्योंकि इस टॉपिक पे आपका कमेंट्स लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही जरूरी मतलब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर पूछा, मतलब कि अब चूंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है तो यहाँ से ज़्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो परितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। भारत सरकार ने वर्तमान में 19 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया है। क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया है जिनमें से आठ भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आठ भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बनी सूची में शामिल हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब जैसे पहला है आपका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक क्षेत्रों में फैला हुआ है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे आपका मन्नार की खाड़ी,
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये है आपका तमिलनाडु में, और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा आपका है सुंदरवन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और फिर नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका उत्तराखंड में। इसके बाद है नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये है मेघालय में, मेघालय में है ये। इसके बाद फिर पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। और नंबर 7 आपका है सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पड़ेगा आपका ओडिशा में, जिसे हम ओडिशा भी लिखते हैं। इसके बाद है कच्छ कारन, जिसे कच्छ की खाड़ी भी बोलते हैं, ये है आपका गुजरात में। और अब नवा हम इस साइड में लिख रहे हैं, नवा है आपका देहांग देवबंद, देहांग देवबंद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद फिर 10वां आपका है अचना कमार, अमरकंटक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ग्यारहवें की बात करें तो ग्यारहवां है मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका असम में पड़ेगा। और फिर 12वां है कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका सिक्किम में पड़ता है। 13 नंबर देखेंगे तो 13 नंबर पे आपका आता है अगस्त मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका केरल में पड़ता है। 14 ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा।
अंडमान व निकोबार। पंद्रह में है आपका डिब्रू साइकोवा। ये आपका पड़ेगा असम में और 16 नंबर पे आपका है कोल्ड डेजर्ट। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में और 17 नंबर आपका है सिचेकलम। पहाड़ियां ये आपके पड़ेंगे आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे तो नॉर्मली देखिए यहाँ पे बताया गया आपको कि 19 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में बांटा गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे 17 ही दिखा पा रहे हैं क्योंकि मेनली जो है ये 17 ही हैं। दो का थोड़ा सा हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है तो उसको बाद में हम क्लियर कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है क्या। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का विचार सबसे पहले यूनेस्को। यूनेस्को क्या है कि एक संस्था है पूरे विश्व के लिए जो कि पर्यावरण और जैव मंडल संरक्षण से संबंध रखता है। तो यूनेस्को में क्या हुआ कि यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर, जिसे हम MAB भी बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर, मैं MAB कार्यक्रम के अधीन 1973-74 में प्रकाश में आया। भारत में यह 1986 में प्रारंभ हुआ, मतलब भारत में इसकी शुरुआत जो हुई वो 1986 में हुई। और ये बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्टीकृत व सूचीबद्ध संरक्षण क्षेत्र है, मतलब कि एक स्पेशल टाइप का रिजर्वेशन दिया जाता है ऐसे क्षेत्रों को और इनकी एक सूची बनी होती है कि ये जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनकी सूची बनी होती है और उनको स्पेशलाइजेशन मिला होता है, जिसके क्षेत्र के कुछ भागों को बांटकर विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षण किया जाता है। मतलब कि इसके क्षेत्रों को बांटकर और कुछ गाइडलाइन जारी की जाती है, उसी के अनुसार इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र जिनके द्वारा किसी भी परितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहे जाते हैं। मतलब कि ऐसे बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र जो आरक्षित किए गए हैं इनके बहुत से उद्देश्य हैं, कोई एक उद्देश्य नहीं है कि बस खाली हमें जीवों का संरक्षण करना, नहीं, उन्हें उसमें क्या होता है कि जीव के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होता है और जैव विविधता का भी संरक्षण होता है, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी नई नई एक्टिविटीज का भी संरक्षण होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र जिनके द्वारा किसी भी परितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है और उस परितंत्र में विविधता भी कायम रहती है, तो ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। भारत सरकार ने वर्तमान में 19 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया है। यहाँ पे 17 आपको दिखाए गए हैं और इन जिनमें से 8 भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा 1971 में, मतलब ये जो यूनेस्को संस्था थी ना, इसने 1971 में ही इन 8 क्षेत्रों को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बनी सूची में शामिल कर लिया था कि भैया ये जो 8 हैं ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रख दिए जाएं, नहीं तो इन यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये क्षेत्र निम्नलिखित है, मतलब ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उनकी जो एक सूची है मौके पे जो अवेलेबल है उसको देख लीजिए। देखिए नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है और वहां पे जो स्पेस है, जो स्थान है, उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया। फिर मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, सुंदरवन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है,
नंदा देवी जैव मंडल और अच्छी चित्र उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, कच्छ करण गुजरात, और देहांग देव जैव मंडल और अच्छी चित्र ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अशना कुमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, मानस असम में मिलेगा, कंचनजंगा सिक्किम में मिलेगा, अगस्त मलाई केरल में मिलेगा, ग्रेट निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, डिब्रू साइकोवा असम में मिलेगा, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, और सिचिकलम पहाड़ियां जैव मंडल और अच्छी क्षेत्र ये आपका मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। तो बायोस्फीयर रिजर्व से हमारा मतलब बस इतना सा ही है कि जीवों का संरक्षण प्रदान करना, जीवों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाना, ताकि उस क्षेत्र में जैव विविधता बनी रहे। किसी भी क्षेत्र में अगर हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र को बनाने की कोशिश करते हैं, या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संज्ञा प्रदान करते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब इतना सा होता है कि उस एरिए के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उनको हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ले रहे हैं। बस यही होता है बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बाकी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। और ये जो इसका विचार सबसे पहले रखा था वो यूनेस्को ने रखा था। यूनेस्को एक संस्था है जो कि पूरे विश्व के पर्यावरण से संबंधित है और जीव मंडल से संबंधित है। यहाँ अक्सर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है, जैसे कभी कभी क्या लगभग हर साल बहुत से कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिकोत्सव होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चे बहुत कुछ अपनी प्रतिभाओं का भी प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम होता था मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब कि इंसान व्यक्ति और जैव मंडल दोनों के बीच जो कम्बिनेशन है, जो रिलेशन है, उसी पे चर्चाएं होती थी। और उसी कार्यक्रम के अधीन 1973-74 में ये बायोस्फीयर रिजर्व का मामला प्रकाश में आया था। और भारत में ये 1986 में प्रारंभ किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्ट व सूचीबद्ध संरक्षण क्षेत्र है, जिसके क्षेत्र के कुछ भागों में बांटकर विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार संरक्षण किया जाता है। ऐसे बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र जिनके द्वारा किसी भी परितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। भारत सरकार ने वर्तमान में 19 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 8 भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा सन 1971 में ही घोषित कर दिए गए थे। और वो कहां घोषित किए गए थे, जब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम उनका चल रहा था उसी में। अब जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीचे आपको यहाँ लिखे गए हैं, दिए गए हैं। जैसे पहला है नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो तमिलनाडु केरल कर्नाटक से बिलोंग करता है, मतलब यहाँ पे इसको आरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल आपको मिलेगा, नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में मिलेगा, नोकरेक मेघालय में मिलेगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, कच्छ करण गुजरात, और देहांग देवबंद अरुणाचल प्रदेश, अशना कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका असम में मिलने वाला है, कंचनजंगा सिक्किम में मिलेगी, अगस्त मलाई केरल में मिलेगा, ग्रेट निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, डिब्रू साइकोवा असम में मिलेगा, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, सिचिकलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का हमारा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जिस तरह से आपका ये एक टॉपिक जो बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र था, ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।